अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो बेसिकली आज ना हम बना रहे एक छोटा सा व्लॉग रिलेटेड टू द बुक्स ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एमबीबीएस के जो बुक्स है ना वो, क्योंकि हमारे जो सीनियर्स होते हैं ना वो असद को पता है। सब बताओ आगे का सीन। यार कुछ नहीं बताते हम लोगों को, बोर करके रख दिया उन्होंने। वो पढ़ो। वैसे पता क्या, इतने सारे बुक्स बताए थे ना जो हमें लगता था यही पढ़ने, पर इनिशियली एंड में हुआ क्या वो तुझे ज़्यादा बेहतर पता है। तो आज ना आपको हम बताते हैं कि अच्छे वाले बुक्स जो आपको अच्छे से स्टडी गाइड मिलेगी। तो बी विद अस। तो अभी सबसे पहले चलते हैं कंसेंट लेने, क्योंकि मेडिकल में सबसे इम्पोर्टेंट टर्म होती है कंसेंट। तो ये हमारे बैठे हैं मोस्ट रेस्पेक्टेबल लाइब्रेरियन शजी भाई, और ये हैं सर जहीर साहब, थोड़े बिजी हैं। सर हमें ना आपके सर दो मिनट चाहिए, मैं बुक्स लेनी है विथ योर परमिशन। तो ये हमें कंसेंट मिल चुका है, अभी चलते हैं बुक्स लेते हैं। सबसे पहले ना हम चलते हैं फिजियो का कोर्स उठाने के लिए। फिजियो के लिए जो बेहतरीन बुक्स है ना, उनमें से सबसे पहले हमारे पास मोस्ट फेमस आती है वो ये वाली है। नाम आपको ना एंड में बताएगा, थोड़ा सा सस्पेंस लेना लाजमी है। और दूसरे नंबर पे हमारी ये वाली बुक होती है। फिर हमारे पास आ जाती है, हमारे पास एक शॉर्ट बुक भी आती है इसकी, ये भाई ने निकाल ली है। ये सारे हम आपको एंड में डिस्क्लोज करेंगे, ये बुक्स एक्चुअली हैं कौन सी। उसके बाद हम आ जाते हैं एनाटॉमी पे। एनाटॉमी के लिए हमारे पास एक ये बुक आ जाती है रेड वाली। फिर उसके बाद हमारे पास एक ये है, थोड़ी सी मैं भी हेल्प कर लेता हूँ। एक हमारे पास ये है, मतलब इतनी भारी बुक है ना, आप इससे अगर डंबल भी लगाओ ना अपनी, आपकी ना एक्सरसाइज अच्छी हो जाएगी। फिर ये हमारे पास एक शॉर्ट बुक भी है। तो हम आपको पूरा सब, मतलब जितना हो सके ना हम सब को आपको अच्छे से अच्छे गाइड करेंगे, मतलब जितना इजी वे से हमारा हो सकता है। ये हमारे होनहार स्टूडेंट है साकिब भाई, साकिब खट्टक भाई पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में। साकिब भाई हमारे साथ क्या प्रैंक हुआ था बता, कितने बुक्स पढ़े थे हमने? यार बुक्स तो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन जो लाइब्रेरी में हम आते हैं तकरीबन जो हमें इशू होता है तो उसको क्लियर करने के लिए हम जो है ना फिर ये बुक्स पढ़ते हैं। लेकिन वैसे तो बहुत ज़्यादा है, मेडिकल की बहुत ज़्यादा बुक्स हैं, लेकिन थक गया सीधा, इसीलिए तो हम अभी शॉर्ट बुक्स भी काम चला रहे हैं। तो ये थे हमारे साकिब भाई के रिव्यूज़। तो अभी हम निकालते हैं बायोकेमिस्ट्री। ठीक है सर, तो चलें बुक्स निकालें। ये है हमारा बायोकेमिस्ट्री का कोर्स, क्योंकि हमारे पास जो ना मेजर सब्जेक्ट होते हैं वो तीन होते हैं, एनाटॉमी होती है, बायोकेमिस्ट्री होती है, और हमारे पास होती है फिजियोलॉजी। तो हर एक के सब्जेक्ट के ना डिफरेंट डिफरेंट बुक्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम वही बताएं आपको जो हम जो बहुत अच्छा होता है, जितना मतलब जितना इजीली आपको अच्छे से गाइड मिल सके ना, हम इतना इजी कर लेंगे आपके लिए। असद के बारे में ना एक बात बड़ी मशहूर है, ऐसा ना कहते हैं या कड़के चलता है बेचारा, बॉडी बिल्डर है ना, तो इसकी ना बेचारे की जो चेस्ट है वो थोड़ी सी बड़ी है, तो इस वजह से ना अब देखिए सारी बुक्स इसने उठाई हुई है। ये हमारी ना क्लास का मसल मलेनियन है, पहले कार्टून ना मतलब। तो ये है हमारे पास बड़ी बड़ी बुक्स। तो हम आपको बताएंगे क्या कोर्स है। बेसिकली हमारे पास तीन सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो पहले करते हैं एनाटॉमी से स्टार्ट, क्योंकि हमारा मेजर सब्जेक्ट होता है। असद आपको बताएगा एनाटॉमी के बारे में। तो सबसे पहले तो यार आप लोग बड़ी बड़ी बुक्स देख रहे हैं, और यहाँ पर कितनी सर रशीद वाला है, घबराना है, इमरान खान वाला है, नहीं सर रशीद कहते हैं ना। अच्छा सबसे पहले अगर मैं बुक्स की बात करूं तो मतलब जो मेजर बुक्स हम लोग यूज़ करते हैं, कि कौन कौन सी बुक्स हमारे पास यूज़ होती हैं, और एज ए टेक्स्ट बुक, शॉर्ट बुक, और कौन सी प्रेफरेबल हैं कि उनके स्टूडेंट को ना मतलब इजी होता है, सिंपल से अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी टेक्स्ट बुक आती है। तो टेक्स्ट बुक में सबसे पहले हमारे पास आती है स्नैल हमारी, हाँ ठीक है, जो स्नैल है हमारी वो होगी हमारी टेक्स्ट बुक, सिंपली टेक्स्ट बुक होगी हमारी, कि जो तो ये यूज़ करनी करनी है मतलब ना, इसके अलावा तो किसी से पढ़ ही नहीं सकते आप खासकर फिर अभी फर्स्ट के, क्योंकि हम लोग अभी बता रहे हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, बिकॉज सब्जेक्ट्स आर सेम, ठीक है, एवरीथिंग इज सेम, बस सिंपली सिर्फ टॉपिक्स चेंज होते हैं। ठीक है, हमारे अब एनाटॉमी है, फिजिक्स है, बायोकेमिस्ट्री, तीनों में सेम है। ओके, तो स्नैल तो टेक्स्ट बुक हो गई, बिकॉज इसके अलावा ना इसमें जितना शॉर्ट करके, जितना ईजी करके, और जितना अच्छा, और वर्डिंग बहुत ईजी, सिंपली मेन थिंग जो हमारे एशियन कंट्रीज में जो प्रॉब्लम होती है इनफैक्ट वो होती है इंग्लिश पढ़ने की। ठीक है, बच्चों को नहीं आती समझ, बिकॉज वो उर्दू मीडियम से उठ के आए होते हैं, जैसे कि मैं सिंपल सी भाषा पर मुझे इंग्लिश नहीं आती बोलना, ठीक है, ये समझ बहुत मुश्किल से आती है, तो प्रेफरेबल है। उसके अलावा अभी टेक्स्ट बुक में हमारे पास मोरे है, KLM, BD84 है, ठीक है, ग्रेज है, 8 के लोग तो ग्रेज है, अभी इस बंदे को उठाए कैसे, ठीक है, तो ग्रेज है, इनकी जो वर्डिंग है ना बहुत डिफिकल्ट है, तो स्नैल की जो वर्डिंग है ना बहुत प्रेफरेबल है। अब इसको ना डिवाइड करते हैं हम एनाटॉमी को कंटेंट की बेस पे, और इसको डिवाइड करते हैं बिकॉज एनाटॉमी जो है ना वो मेन है डायग्राम्स,
एंड रिलेशंस, ठीक है। तो डायग्राम्स की बेस पर अगर मैं बात करूँगा तो आपको अगर डायग्राम्स चाहिए तो ग्रेस जो है ना बेस्ट बुक है ना। क्या ही कमाल के डायग्राम, क्या ही कमाल के स्ट्रक्चर्स बने हुए इसमें, लेवल है इसका कुछ तोड़ है ही। और अगर आपको थ्योरी अच्छी चाहिए, मतलब पढ़ना चाहते हो कि यार हमें शॉर्ट बुक नहीं फॉलो करनी, तो मोरे बेस्ट है, क्योंकि मोरे के अंदर आपको पूरा कंटेंट मिलता है जो हमारे पास जनरली हमें इन स्नेल वगैरह। सबसे बड़ी बात क्लिनिकल सर मोरे में, बिकॉज क्लिनिकल मोरे, इसके अलावा कहीं से क्लिनिकल नहीं मिलेंगे। हाँ, अब अगर आप रिलेशन की बात करते हैं, बिकॉज एनाटॉमी बेसिक है रिलेशन ना, आपको हैंड की एक हैंड पढ़ना है, दूसरा हैंड पढ़ना है, ठीक है। आपको डिफरेंट नर्व्स में रिलेशन चाहिए, आपको एवरी थिंग में रिलेशन चाहिए। तो रिलेशन के लिए आपके पास बीडी, ये बीडी जो है ना बीडी चौरासी, ठीक है। पर बेस्ट बुक है। अभी कन्फ्यूजन की बात नहीं, हम समझाते पढ़ना कैसे, पहले से हम बुक्स आपको बता दें। एग्जैक्टली, तो ठीक है। अब सेकेंड ईयर में एक बुक ऐड हो जाती है हमारे पास, न्यू एनाटॉमी ना, न्यू एनाटॉमी की ऐड हो जाती है। ये भी स्नेल वालों की, क्लिनिकल न्यू एनाटॉमी स्नेल, ये भी बेस्ट बुक है, ओके। इसके अलावा और कोई बुक नहीं होती करनी। अब शॉर्ट बुक की बात करूँ मैं तो, बिकॉज जहीन बंदे हैं, नहीं अपने ये भाई नजीब से पढ़ने वाला बंदा, मैं जो हूँ ना मैं ये पढ़ता हूँ, हम हैं ग्रेस वाले बंदे, हमें हाइजीन चाहिए होती, और ग्रेस नहीं सॉरी ग्रेस के साथ, ग्रेस असल में ग्रेस की एक खासियत है, ग्रेस लगता है कि हमें बहुत लंबी बुक है, बट ऐसा नहीं है, ग्रेस बहुत शॉर्ट और कंपाइज और प्यारी लिखी हुई है, क्योंकि डायग्राम्स बनी, ग्रेस बेसिकली ना एक पेटर के साथ मिलकर उसको बनवाई है, तो इसलिए वो इतनी पढ़ी है। और हाइजीन जो है ना ये इसका शॉर्ट वर्जन, इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा एक और भी आते हैं जिसको एसेंस कहते हैं, एसेंस भी बहुत अच्छी है, वो हमारे कोई बैरेट ऑप्शन के प्रोफेसर साहब हमने लिखी हुई है, एंड इट इज़ फिनोमिनल। आई थिंक इसमें ना नॉलेज जो है ना, नॉलेज जो है आपको मैं अगर बोलूँ ना, देखो कितनी बड़ी बुक है ये, कितनी पतली सी बुक है, नॉलेज सेम इन दोनों में आई थिंक, बिकॉज रिवीजन के टाइम पे जब आप एग्जाम्स दे रहे होते हो ना, तो नहीं पढ़ सकते यार उसको, इतनी मोटी बुक को 1000 पेजेस को आप कवर ही नहीं कर सकते यार, ठीक। तो मेरे ख्याल में इस बुक को बेस्ट बुक है, शॉर्ट बुक, इसको आप इजीली कवर कर सकते हो। आई थिंक शुड गो ऑन फिजियोलॉजी को, ओके। तो फिजियोलॉजी में बेसिकली हम आपको बताते हैं हमारे पास जो मेरी फेवरेट बुक है, ये कैसी बुक है जो हमारा टेक्स्ट बुक नहीं है, ये बुक ऐसा जो हमें रिव्यू बुक में भी नहीं आता, ये पी शिक्षा कोई इनका है राइटर है जिसने इंडिया की बुक, ये मेरी फेवरेट है, पर इसके बारे में आपको एंड में बताता हूँ। हमारे पास जो पाकिस्तान है उसमें हमारे पास बेस्टली फॉलो होती है गाइटन जो है हमारे पास, गाइटन एंड हॉल्स हमारे पास मोस्ट फेवरेट बुक होती है टीचर्स की जो वो फॉलो करते हैं। उसके बाद हमारे पास गेनॉक्स, बट गेनॉक्स की फ्रेंकली स्पीकिंग वर्डिंग बहुत डिफिकल्ट है। गेनॉक मतलब वो बंदा पढ़े जो बंदा फॉरन से करके आया हो या उसकी थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी हो, हम जैसे ना जो एवरेज बंदे होते हैं ना वो इसको फॉलो नहीं कर सकते। और दूसरे नंबर पे हमारे पास बुक आती है, वो आती है हमारे पास जैसे जो मेरी फेवरेट है शॉर्ट बीआरएस फिजियोलॉजी, इसमें आपको बड़ा एमसीक्यूज मिल जाते हैं, आपके क्लिनिकल क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, आपका जो भी मटीरियल है वो कवर हो जाता है। अब एनाटॉमी आप पढ़ के भूल जाओगे, ये सिंपल बात है, पर जो आपको फिजियोलॉजी पढ़ते हो ना ये कॉन्सेप्ट बनते हैं, क्योंकि फिजियोलॉजी आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, पैथो कवर नहीं होगी, पैथो कवर नहीं हुई, फार्मा कवर नहीं होगी, फार्मा समझ नहीं आएगी, मेडिसिन समझ नहीं आएगी, और 5 साल वेस्ट हो गए। पर कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि यार हमने नहीं पढ़ा था, हम सीखे थे, तो भाई वो सिर्फ सीखे ही थे, वो सिम्टम ही ट्रीट करते हैं, डिजीज उनको भी नहीं आती। तो आपको अच्छा डॉक्टर बनना है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक जो आप पढ़ सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो। फिर हमारे पास आती है एसेंशियल्स, ये जो बुक होती है ना इसके 4 सेक्शन बन गई हैं, तो ये आपने प्रिसाइसली कोई टॉपिक टू टॉपिक पढ़ना चाहता है तो ये बहुत अच्छी बुक है। फिर हमारे पास आ जाती है फिजियोलॉजी पी सेक्शन, ये बुक अगर लाइब्रेरी में अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो टेंशन ना लें, क्योंकि ये इजीली आपको वेबसाइट है लाइब्रेरी जेनेसिस वहाँ पे मिल सकती है, और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक जो मैंने फॉलो की अपने सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर की एग्जाम्स की बुक। अब इतने सारे बुक्स बताए आपको, पर आपको एक फ्रेंकली स्पीकिंग आपको ना सिर्फ मेडिकल फिजियोलॉजी गाइटन पढ़ें, गाइटन के साथ एक और शॉर्ट बुक आती है जिसका नाम है फिरदौस। अगर आप फिरदौस पढ़ते हैं गाइटन के साथ, यू विल डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम विद द डिस्टिंक्शन, ठीक है। अभी हमारे पास आती है, हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास आते हैं, ये हमारे पास सत्यनारायण, ये हमारे पास चटर्जी, और ये हमारे पास लिपिन कोट। अब बायोकेमिस्ट्री सत्यनारायण के अंदर हम क्या करते हैं, हम सत्यनारायण में से हमारे जो इजी लैंग्वेज है ना उसको एक्सट्रैक्ट कर सत्यनारायण से, मतलब कि इजी आप सारा कुछ कवर कर सकते हो, सारा कुछ इजीली रिटर्न है इसमें। और उसके बाद आती है चटर्जी, ये तो पीजी वाले ही पढ़ सकते हैं, हमारे तो लेवल से बाहर।
फिर लिपिन कोड, लिपिन कोड वो बुक है जो आपको पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, आप सिर्फ लिपिन कोड खोलो, उसके डायग्राम्स देख लो, आपका सिलेबस कवर। फिर हमारे पास रिव्यू में इसके पास इसकी आती है एक, ये हमने पढ़ी थी जो आती है साकिब कामरान बख्शी की और डॉक्टर ज़हरा काज़मी की नटशेल बायोकेमिस्ट्री नटशेल। ये इसके अलावा मतलब कि ना फाइट भी है ना सबिश, हाँ फाइट भी है, फाइट भी आती है हमारे पास, फाइट केमिस्ट्री बहुत अच्छी लिखी हुई है। ये हमारे आबिद भाई हैं, आबिद भाई बैठ गए यहाँ पर जी जी, जो मैं इधर नहीं बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई है, क्योंकि यार सबका फायदा बता दिया, वो भी अच्छी है वो भी अच्छी है वो भी पढ़ने को मिलती है सिंपली ना। तो सबसे पहले तो एक कॉलेज वाले ना एक मतलब डिस्कस कर रहे हैं आपको यार कि स्मेल तो पढ़नी ही पढ़नी है ना आपको, आपको स्मेल तो चाहिए ही चाहिए, मतलब टेक्स्ट बुक है यार, ठीक है इसको आप नहीं कर सकते, बिकॉज जो इसमें लिखा हुआ है ना गलत भी लिखा हुआ है आपको वो ही जाके लिखना, बिकॉज एग्जाम में वो माना जाएगा, डरा रहा है सच्ची बात है, वो लिखना पड़ेगा, ये सच्ची में डरा रहा है वो लिखना पड़ेगा। अच्छा उसके बाद ना उसके बाद बिकॉज आपको डायग्राम से समझ नहीं आता, ठीक है अब स्मेल के डायग्राम देखेंगे ना यार कुछ पले नहीं पड़ता सच्ची बात, पता नहीं क्या बना हुआ है क्या नहीं बनाया हुआ, ऐसे जैसे एक्सरे फेंच के ना वो लगाया हूँ किसी खाते के। आप स्नेल बुक पढ़ें बहुत अच्छी बुक है, ठीक है इसके अलावा कोई और बुक नहीं पढ़नी है आपने, और साथ साथ पढ़ें और उसके साथ एटलस फॉलो करें, ये है एटलस। हाँ। अब ये बात है कि ना असल जो आपको बता रहा हूँ मैं टॉपर की स्टूडेंट हूँ, और मैं जो हूँ ना मैं एक लास्ट बेंचर हूँ और स्लो लर्नर हूँ, मतलब कि ना हमें इतना जल्दी एक रात में रट्टा मारना होता है, तो मैं बेसिकली पहले शॉर्ट बुक पढ़ता था फिर मैंने लॉन्ग बुक पढ़ी है, पर हमने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं कवर की हुई हैं। तो बेस्ट बुक जो मैंने अपने के उसमें फॉलो की थी वो ग्रेस फॉलो की थी और उसके साथ एसेंस फॉलो की थी, फिजियोलॉजी में मैंने गाइटन पढ़ी थी, गाइटन के साथ फिर दो फॉलो की थी, और बायोकेमिस्ट्री में हमने स्नेल लिपिन कोट इनको मिक्स में पढ़ा था, और उसके बाद हमने फॉलो की थी फाइव केमर, ये तीन चीज़ें हमने फॉलो की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बायोकेमिस्ट्री में डिस्ट्रिक्ट। और लिपिन लिपिन कोट में ना लिपिन कोट का मैं सिंपल बताऊंगा, अगर आपको ना कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना तो सिंपली ना सिंपली सत्या पढ़ें, ठीक है बिकॉज वर्डिंग इज टू इजी ना, मतलब आप इजीली समझ सकते हैं आप उसको, आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। फाइव हुसैन ये चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं बैठे बिकॉज एक सबसे बड़ी बात पोजीशन होल्डर है ना, उसे ये भी नहीं पता कि इनऑर्डर में स्टोर एमवीओ भी आता है, अब वो हम लास्ट में चलते हैं याद होता है, और बुक ही नहीं है यहाँ पर, ये पढ़ी नहीं ना, चलो मैं लेके आता हूँ यार। And here comes the swag. Yes, पहले हमारे पास क्योंकि हमने ना ये माइनर होते हैं तो हमें कम पढ़े, माइनर नहीं होते असल में, माइनर नहीं होते हमने बुला दिया इसकी सच्ची बताऊंगा, ये जब पता लगता है ना कि 12 क्वेश्चंस हैं और उनमें से 10 करने और दो जो हैं वो एम्ब्रियो रिस्टो से आने हैं, तो मैंने कहा दो शो वो जो है ना चॉइस वाले हैं बस फिर इनको साइड कर देते हैं यार, क्योंकि सारा साल इन्होंने दिमाग खराब करके रखा। तो नहीं पढ़ना पढ़ना है, पढ़ना है जो सब पढ़ना है, तो आपके पास ना हिस्ट्री में जो हमारे पास टेक्स्ट बुक आती है वो विटर्स आती है, विटर्स बहुत अच्छी लिखी हुई है, डायग्राम्स बहुत ही कमाल की, फिर उसके बाद आता है हमारे पास जेनकुलर स्पेसिफिक हिस्ट्री, ये भी बहुत अच्छी बुक है, अगर टाइम मिले तो पढ़ सकते हैं वरना विटर्स पे ही रिलाई करें। फिर हमारे पास एटलस आता है एस्ट्रोलॉजी, ये हमारे पास एस्ट्रोलॉजी का एटलस जो हमारे पास बहुत अच्छा है, एटलस एस्ट्रोलॉजी फंक्शनल कोरिलेशन टेक्स्ट बुक में अपने पास वीटर्स भी है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूज होते हैं लाइक उससे लाइक उससे लाइक उससे होते हैं लाइक से बेस के अलावा यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सिंथ में हमें कम यूज करते हैं वो वाली ना, तो वो वाली बिकॉज बहुत हैंडी है, और एम्ब्रियोलॉजी हमारे जो अच्छा मजे जैसी बात है हमारे एचओडी जो है ना प्रोफेसर फरीदुल्लाह भी वो जो है ना वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, और वो बहुत वैसे न्यूरो सर्जन पर हमें एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी, और पूरी की पूरी एम्ब्रियोलॉजी हम जो छोड़ के जाते हैं वो एग्जाम में आ जाती है, तो उनकी फेवरेट बुक है लैंग्वेज मेडिकल एम्ब्रियोलॉजी, सबसे पहले आपकी ये बुक है। फिर हमारे पास आती है ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी बाशन जी, ये हम जैसे जो एक्स्ट्रा होशियार मतलब एडवेंचर्स ही होते हैं ना मेरे जैसे वो ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। फिर आते हैं असदुल्लाह जैसे टॉपर्स जो यूज़ करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की, ये वाली जो पढ़ी नहीं मैंने ये है के एल मालूम की आती है, और इसमें डायग्राम्स बहुत ही अच्छी, ये है हमारे पास टोटल के टोटल कोर्स, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जितनी भी हेल्प चाहिए, अगर आपको डॉक्टर नजीब के अकाउंट्स वगैरह चाहिए या कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस चाहिए तो काइंडली हमसे कांटेक्ट करें, कमेंट्स के अंदर मैसेज करें, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, मेहनत बहुत लगी, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सर, इट्स ऑल।